और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। पंजाब असेंबली इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा और गवर्नर सिंध ने सिंध असेंबली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। कामरान टेसोरी ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी। ज़राए वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ का कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई हैं।